नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। पंजशीर को लेकर ईरान की तरफ से जारी की गई चेतावनी के बाद तालिबान बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजशीर हमारा आंतरिक मामला है, कोई भी उसमें दखल ना दे। आपको बता दें, जब से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया है, तभी से ईरान का हाजमा बिगड़ा हुआ है। पंजशीर की हार को ईरान किसी भी सूरत में पचा नहीं पा रहा है, इसलिए ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से एक चेतावनी भी जारी की गई है। उन्होंने कहा था कि मैं चेतावनी देता हूं कि सभी लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, जिसके बाद तालिबान भड़क उठे और उन्होंने ईरान को इस मामले में दखल ना देने की नसीहत दे डाली। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल सहीन ने कहा है कि पंजशीर हमारा आंतरिक मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा। हम इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते थे, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सैन्य कार्रवाई ही हमारे पास आखिरी विकल्प बचा था, जिसके जरिए इसे पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ तालिबान प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, कोई इसमें दखल ना दे। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल का सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल सहीन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अफगानिस्तान की जनता को आजादी पसंद है और पंजशीर हमारा आंतरिक मामला है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर सोहेल सहीन ने दावा किया है कि किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हमारा आंतरिक मामलों में दखल है। ये हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति साफ है, हमारे मुद्दों का समाधान होगा। सोहेल सहीन ने यह भी कहा है कि मौजूदा अफगान सरकार कुछ समय के लिए ही है और इसे आवश्यक सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के बाद से खफा क्यों है। इसका सीधा सा जवाब ये है कि पंजशीर के अंदर ईरान का प्रभाव था। पंजशीर के विद्रोही नेता लगातार ईरान के संपर्क में थे और ईरान पंजशीर के सहारे अफगानिस्तान में अपना दखल चाहता था, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए तालिबान ने पंजशीर के विद्रोही नेता अहमद मसूद को बातचीत का ऑफर दिया। जब अहमद मसूद नहीं माना तो तालिबान ने पंजशीर पर जोरदार हमला किया और तालिबान ने पंजशीर को अपने कब्जे में ले लिया। तभी से ईरान खफा खफा नजर आ रहा है। अभी पिछले दिनों ईरान ने पंजशीर के विद्रोहियों को हवा देने के लिए तेहरान की एक सड़क का नाम पंजशीर रख दिया, जिसके बाद से तालिबान भी ईरान से खफा हैं। इससे पहले पंजशीर को लेकर ईरान ने बहुत तल्ख प्रतिक्रिया दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। ईरान ने यह भी कहा कि वो पंजशीर में पाकिस्तान के दखल की भी जांच कर रहा है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि पंजशीर के कमांडरों की शहादत बहुत निराशाजनक है और वह बीती रात हुए हमलों की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता है। तेहरान टाइम्स ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा था कि पंजशीर हमले के दौरान पाकिस्तानी दखल की जांच की जा रही है। ईरान का मानना है कि पंजशीर के साथ बातचीत ही एकमात्र समस्या का हल है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।